दिस इज 3 BHK हाउस प्लान डिजाइन। ओके, तो इसमें आपको 3 बेडरूम का डिजाइन मिल जाएगा इसके अंदर, जो प्लान आप देख रहे हैं। उसके बाद इसका जो GL to PL, हम यहाँ पर जो GL to PL है, देखिए यहाँ पर हम ऐसे हाईलाइट करेंगे तो उससे आपको GL to PL का पोजीशन अच्छे से दिखाई देगा। देखिए ऐसे, ओके ऐसे। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बाहर लेकर आएंगे, 3 इंच या 75 mm हम यहाँ पर बाहर लेकर आएंगे, ठीक है, 75 mm। तो 75 mm आने से क्या होगा, आपको जो GL PL है अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको, इसका मतलब क्या है, आपको जो डैम प्रूफ लेवल होता है तो इस लेवल में आपको यूज़ करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, घर का जो डैम है वो भी नहीं आएगा वॉल में, GL PL अगर आप यूज़ करेंगे तो। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इधर देखिए जो है 12 इंच और इधर जो है 6 इंच ऐसे डाउन करेंगे, ठीक है। इससे डाउन करने से क्या होगा, आपको जो पार्ट है देखिए इधर दिखाई देगा ऐसे। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका जो डोर, यहाँ पर हम जो 7 फीट बाई 4 फीट का डोर यहाँ पर हम ऐसे क्रिएट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका ये जो बिल्डिंग है इसका भी डोर हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे 7 फीट बाई 3 फीट में, सॉरी इधर करेंगे 7 फीट बाई 3 फीट में। तो रूम वाइज एक एक डोर और विंडो हम यहाँ पर क्रिएट करके आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि देखिए डोर और विंडो बिल्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें जो विंडो और जो डोर, उसके बाद जो आपका वॉल जो हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, तो आउटसाइड इनसाइड में हमने 5 इंच का वॉल प्रोवाइड किया है। क्योंकि देखिए 5 इंच वॉल में क्या होता है, आपका जो इंटरनल वॉल होता है, इंटरनल जो जगह होता है ना, जो एरिया होता है बिल्डिंग का, जो बेडरूम का, तो उसमें क्या होता है, आपको ज़्यादा जगह आपको मिल जाएगा। क्योंकि ज़्यादा जगह मिलने से क्या होता है, आपको अच्छे से रहने का भी जगह अंदर में मिल जाएगा, ठीक है ऐसे। तो देखिए ऐसे रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इधर से इसका जो इसका जो इधर डोर है हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे 7 फीट बाई 2 फीट 6 इंच। ओके, एक एक रूम का डोर हमने प्रोवाइड कर दिया है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका विंडो भी प्रोवाइड करेंगे। विंडो के लिए हमें 7 फीट हाइट रखना है और इधर सभी साइड में। ओके, देखिए हम ऐसे रखेंगे। अगर आपको कोई भी साइड में विंडो रखने का ऑप्शन रहेगा तो आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नहीं है तो आपको उस साइड में बंद करना पड़ेगा, ठीक है, विंडो का पोजिशन, क्योंकि हो सकता है आपका किसी भी साइड में विंडो का ऑप्शन प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ऐसे कोई बात नहीं है कि आपको हर साइड में विंडो रखना पड़ेगा। हम सिर्फ इसको एक जस्ट आपको एक आइडिया हम यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना है कि ऐसे ही आपको बिल्डिंग प्लान बनाना पड़ेगा। आपको लगता है हाँ, इसमें जो प्लान हमने बनाया है, आपका जो प्लॉट है या आपका जो बिल्डिंग एरिया उसके साथ मैच कर गया है, तो आप इस प्लान को चूज कर सकते हैं। आपका आपको अगर पसंद आए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो बनाते हैं प्लान यहाँ पर जस्ट एक आइडिया प्रोवाइड करने के लिए, जिसको अच्छा लगता है वो इसको लेकर बिल्डिंग प्लान या इसको देखकर बिल्डिंग बना सकते हैं। क्योंकि देखिए हम जो प्लान बनाते हैं सिर्फ एक आइडिया प्रोवाइड करने के लिए। आपको लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, गलत है, तो आप उसको चेंज करके मॉडिफिकेशन कर दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ डिपेंड करेगा आपके ऊपर। हम सिर्फ यहाँ पर कुछ आइडिया आपको देखिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस आइडिया को देखकर आपको अगर लगता है सही है तो आप इसको देखकर घर बनाएं। तो देखिए यहाँ पर जो विंडो का पार्ट है हम यहाँ पर दिखाएंगे। हो सकते हैं किसी को 2 साइड ओपन है, किसी को 1 साइड ओपन है, किसी को 4 साइड ओपन है, किसी को 1 साइड या 3 साइड ओपन है, 1 साइड ब्लॉक है, तो उसके लिए भी ये प्लान आप कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो विंडो का पोजीशन है आप उसको जस्ट चेंज कर दीजिए, आपको अच्छा सा एक प्लान भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो प्लान है हमने यहाँ पर कर दिया है। देखिए घर के अंदर आने के बाद यहाँ पर एक सोफा से डाइनिंग टेबल, यहाँ पर देखिए स्टेयर, ऐसे स्टेयर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, स्टेयर में क्या कर सकते हैं, यहाँ इधर से आप एक ऐसे देखिए यहाँ पर आप विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, स्टेयर में।
ऐसे हो सकता है आपका स्टे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है बेड, बेड के साथ देखिए सोफा सेट, या टीवी यूनिट आप रख सकते हैं। यहाँ पर एक अलमीरा, यहाँ पर एक सोफा सेट, यहाँ पर किचन एरिया, ओके किचन, यहाँ पर जो है बेड, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर बेड, उसके साथ देखिए यहाँ पर जो है एक सोफा सेट, यहाँ पर ही देखिए बेड और सोफा सेट। तो टोटल आपका जो बेड है यहाँ पर देखिए 3 बेड है इसके साथ, ठीक है, ऐसा दिखाई देगा आपको, ऐसे ऐसे आपको दिखाई देगा, ठीक है, 3 बेड के साथ। तो उसके साथ आपको क्या करना है, उसके बाद इसका जो एरिया है, डिटेल है, हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए इधर हम क्या करेंगे, इधर जो है इसका मेजरमेंट हम यहाँ पर ऐसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, आप भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। तो इसके बाद देखिए बेडरूम जो है 10 फीट बाई 12 फीट, यहाँ पर जो है 10 फीट 6 इंच बाई 12 फीट, यहाँ पर देखिए 4 फीट 10 इंच बाई 8 फीट। एक एक रूम और पोजीशन का जो मेजरमेंट हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे, देखिए, ओके। तो आपको दिखा दे रहा है कहाँ पर आपको किचन, टॉयलेट सब कुछ मिल रहा है, यहाँ पर हम दिखाएंगे। तो उसके बाद हम लिख के भी देंगे इसके साथ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे मेजरमेंट है, यहाँ पर ऐसे स्टेयर का भी मेजरमेंट देखिए, यहाँ पर 8 फीट है और इधर से देखिए 8 फीट 10 इंच है, ठीक है। और इधर का जो मेजरमेंट है इधर से इधर 6 फीट 4 इंच, यहाँ पर जो पोर्च है यहाँ पर देखिए 4 फीट, ओके। तो चलिए इसके अंदर हम कुछ ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए बेडरूम, ओके, यहाँ पर प्लेस करेंगे बेडरूम फर्स्ट, उसके बाद यहाँ पर एक बेडरूम, उसके बाद यहाँ पर एक बेडरूम, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पर किचन, शॉर्ट फॉर्म में किचन यहाँ पर हम ऐड करेंगे, उसके बाद टॉयलेट एंड बाथ जस्ट हम यहाँ पर लिख के देंगे, उसके बाद डाइनिंग एंड DWG, डाइनिंग एंड ड्राइंग एरिया यहाँ पर है, उसके बाद पोर्च। तो फॉन्ट एलिवेशन आपको अच्छे रखने के लिए देखिए यहाँ पर जो स्टेयर है इसका पार्ट भी आपको फॉन्ट में रखना है, ठीक है। और इसका जो टोटल स्क्वायर फीट कितना आएगा, देखिए इसका टोटल स्क्वायर फीट कितना आएगा, टोटल जो स्क्वायर फीट है हम यहाँ पर लिखेंगे 27 × 35, 945, तो लिख के देते हैं 945 स्क्वायर फीट यहाँ पर, ओके 945 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे जस्ट बड़ा करेंगे, ठीक है। 945 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान डिज़ाइन, इसका जो कॉलम है हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप इसको देखिए आपको अच्छे से दिखाई देगा कॉलम पोजिशन, ऐसे ऐसे करके हम कॉलम यहाँ पर जस्ट आपको आइडिया एक प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो आपको देखिए ऐसे यहाँ पर कॉलम प्रोवाइड करना होगा, ठीक है, ऐसे। तो आपको कितना नंबर कॉलम यहाँ पर प्रोवाइड करना है वो भी आपको इधर से काउंटिंग करने के बाद आपको इसका भी आइडिया मिल जाएगा, ऐसे। तो उसके बाद इधर भी आपको कॉलम प्रोवाइड करना है, इधर और इधर और इसके अंदर, इसके मिडिल में, ठीक है, इसके इसके सीधा इधर एक। तो इसका जो आउटसाइड इनसाइड वॉल आपको जो है 5 इंच का मिल जाएगा, कॉलम साइज 10 इंच बाई 12 इंच का मिल जाएगा, ठीक है। तो यही था प्लान और डिज़ाइन, ओके। तो प्लान और डिज़ाइन अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर देना।